अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला, ये इसमें लिखा है। अनिल अंबानी जी ने लिखा कि लार्जेस्ट ऑफसेट की ऑफसेट पार्टनर विद डैसॉल्ट वर्थ 30,000, लार्जेस्ट ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी एस्टिमेटेड एट 1,00,000 करोड़ रुपीज वी हैव बीन गिवन, एंड द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट मेंशन हिज नेम। आपने उनका नाम तक नहीं लिया। और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया, और आपने 2 घंटे बात की मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया। कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की, उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला, कहा आपने कहा निर्मला जी। अब मेरा सवाल है, 8 साल की नेगोशिएशन 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए, उनका सालों का काम था। तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूँ, यस और नो। एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन दिस बाईपास सर्जरी वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, डिड द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट टू दिस बाईपास सर्जरी? डिड दे मेक ए स्टेटमेंट और डिड दे सजेस्ट टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू एनीबॉडी एल्स, that the Prime Minister should not be bypassing the defense establishment? Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji? With a yes or a no?